आउटपुट क्या है, हम कौन सी इंटरवेंशन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए, हम अवेयरनेस क्या दे रहे हैं, एजुकेट क्या कर रहे हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। 40% बच्चे लेस देन 5 इयर्स पाकिस्तान में वो मैल नॉरिश हैं। पाकिस्तान में आई डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है, 33% बच्चों को आई डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो हम देखेंगे। अब उसके बाद क्लासीफाई अगर हम फूड को करें, अब क्लासिफिकेशन अगर आप बायो ओरिजिन करें तो बायो ओरिजिन उसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं। आप जानते हैं फूड का सोर्स एनिमल्स आता है, मीठा मिलते हैं प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो प्लांट्स आ गया। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें उसमें प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। फंक्शन देखिए, फूड की रिक्वायरमेंट अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, हमारा फंक्शन ज़्यादा है, फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, हमारा डेली इंटेक ज़्यादा होगा। लाइक बॉडी बिल्डर है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब उसके बाद है हमारा जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू। देखिए हर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है फूड के हर कंपोनेंट में डिफरेंट आती है, कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट आती है, फैट में डिफरेंट आती है, सीरियल देखिए सीरियल्स में डिफरेंट है, मीट में डिफरेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में डिफरेंट है, नट्स में डिफरेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्लासीफाई बेसिकली ओरिजिन है, केमिकल कंपोजिशन है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग है, या फंक्शन के अकॉर्डिंग है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब दो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आते हैं। माइक्रो ट्रेस एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं। अब अगला सवाल ये है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट वो फूड है जिसमें हर सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं, जो हमारे जिंदा रहने के लिए या डेली रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो वी कैन डिफाइन बैलेंस डाइट एज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर अस टू परफॉर्म डेली रूटीन एक्टिविटी और फंक्शंस। तो बैलेंस डाइट ये होती है। आगे बैलेंस डाइट को आपने देखा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, दैट्स ऑल। तो इसमें आप अभी देख सकते हैं कि ये हमने याद क्या क्या करना है, डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।